कुछ दिन आप इसे दूध में डालकर ले लें। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, थकान या बेवजह ही यदि कमजोरी लगती है तो वह सब बिल्कुल ही दूर हो जाएगी इस आसान घरेलू उपाय से। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा। पनीर जिसमें कि भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, साथ ही साथ विटामिन बी होता है और सबसे ज़्यादा इसमें जो पाया जाता है वह है विटामिन डी, जो कि हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, हमारे शरीर को मजबूती देता है। तो हमें पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा रोज ही खाना चाहिए, किसी न किसी रूप में खाएं, सब्जियों में खाएं, दूध में डालकर खाएं, आप किसी न किसी रूप में थोड़ा सा टुकड़ा पनीर का जरूर खाएं। ओमेगा 3 होता है दोस्तों पनीर में, और साथ ही साथ दोस्तों जो पनीर होता है इसमें इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करता है। बच्चों को तो पनीर जरूर ही देना चाहिए दोस्तों, इससे बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ पनीर में दोस्तों बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें विटामिन्स होते हैं और इसे खाने से दोस्तों मतलब सबको पसंद भी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस घरेलू उपाय में इसे दूध के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ इसे मीठा करने के लिए हम लेंगे 2 खजूर। खजूर जिसमें कि भरपूर मात्रा में आयरन होता है और साथ ही साथ हमारी हड्डियों को, शरीर को मजबूती देता है खजूर। ठंड के मौसम में हमें खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि खजूर की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है। तो 2 खजूर लिया है दोस्तों, 1 गिलास दूध में आपको, क्योंकि इससे दूध अपना मीठा हो जाएगा, मतलब आपको अलग से शुगर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इस समय आपके पास खजूर नहीं है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं। गुड़ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है और जो लोग एनीमिक हैं उन्हें तो गुड़ ज़रूर खाना चाहिए, और दोस्तों खासकर ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन ज़रूर करें। तो 2 खजूर लिया है, 2 खजूर काफ़ी हैं, गुठली को निकाल दें। खजूर की गुठली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब आँखों के ऊपर कोई फुंसी हो जाती है तो गुठली को यदि घिस कर लगा लेते हैं तो आँखों के ऊपर की फोड़ी फुंसी भी दूर हो जाते हैं। और कभी भी दोस्तों शक्कर का यूज़ ना करें। तो दूध को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ खजूर लिया है, साथ ही अब हम लेंगे दोस्तों ओट्स। तो यहाँ पर मैंने डिज़ानो का ओट्स लिया है दोस्तों, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। यदि आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो ओट्स जो होता है दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो डायबिटिक पेशेंट है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, उन्हें रोज़ नाश्ते में ओट्स ज़रूर लेना चाहिए, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद। जिन्हें बीपी है, हाई बीपी है दोस्तों, उन्हें भी नाश्ते में ओट्स लेना चाहिए। किसी ना किसी रूप में ओट्स का सेवन ज़रूर करें। जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, और ओट्स खाने से हमारा हाजमा अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने नहीं पाती है। अब यहाँ पर साथ में मैंने लिया है दूध दोस्तों, 1 बड़ा ग्लास दूध लेना है। ओट्स खाने से दोस्तों हमारा पेट भरा रहता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और यह वजन कम करने में सहायक है, क्योंकि पेट भरा रहेगा, भूख कम लगेगी तो हम ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे और तेजी से वजन को कम कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ओट्स लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है वो भी ठीक होता है, कम होता है। हार्ट पेशेंट को भी ओट्स का नाश्ता जरूर करना चाहिए। मुहासों को दूर करता है, ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाता है ओट्स। तो औषधीय गुणों का भंडार है। तो 1 गिलास दूध लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच ओट्स। दोस्तों यदि आपने अभी तक के अपने नाश्ते में ओट्स को शामिल नहीं किया है तो अब आप अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करें। सुबह के नाश्ते में लें या शाम के नाश्ते में लें, किसी न किसी रूप में आप ओट्स का सेवन ज़रूर करें। और जो ओट्स होता है दोस्तों, ओट्स खाने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारा दिमाग शांत होता है और साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ओट्स लेने से। तो बस दूध में इतनी चीज़ें मैंने डाल दी है, खजूर डाला है 2, 3 से 4 टुकड़े मैंने पनीर के डाले हैं, इतना सारा पनीर मैंने नहीं डाला, 3 से 4 टुकड़े पनीर के, 1 गिलास दूध डाला है, बढ़िया इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और यदि आप इस दूध को लेते हैं दोस्तों रोज़ लें, आपको सुबह टाइम है ब्रेकफास्ट के समय, आप ब्रेकफास्ट के समय ले सकते हैं, जब भी टाइम है 1 गिलास दूध आप ओट्स डालकर जरूर लें, आप खुद देखेंगे आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। और जैसा मैंने बताया इतनी बीमारियों को दूर करता है ओट्स। भी एक अनाज है दोस्तों, जैसे गेहूं या जौ को बोया जाता है ना दोस्तों, ऐसे ही इसे उगाया जाता है। तो और ढेर सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं ओट्स खाने से दोस्तों, इसमें इतना ज़्यादा फाइबर्स होता है, इसीलिए तो वेट लॉस में ये इतनी मदद करता है। तो ये हमारा
ओट्स मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अनगिनत बीमारियां दूर करेगा ये शेक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये ओट्स का, इसे आप ज़रूर लें। और साथ ही साथ बीटा ग्लूटोन नामक तत्व होता है दोस्तों, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाता है, और इतना ज़्यादा इसमें फाइबर होता है इसलिए ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बीपी के पेशेंट इसे ज़रूर लें दोस्तों, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, शुगर के पेशेंट इसे ले सकते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाव करता है ओट्स। हमारे स्किन में ग्लो आता है, ड्राई स्किन, बालों का झड़ना कम होता है यदि हम नाश्ते में ओट्स को शामिल करते हैं। आप कुछ दिन इसे लें, आप अपने शरीर में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे, इतने फ़ायदे आपको मिलेंगे। प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है और बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इस समय यदि आप लेते हैं। चेहरे के रिंकल्स दूर होते हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता है, 65 की उम्र में 25 के दिखेंगे यदि लगातार कुछ दिनों तक के आप इस ओट्स वाले दूध का सेवन करेंगे। तो दोस्तों ओट्स के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मैंने इस वीडियो में जो जो चीज़ें यूज़ की परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं।